C++ में आपकी वेरिएबल्स तीन प्रकार के होते हैं। इन्हें हम डिफरेंट्स नाम से जानते हैं। अगर हम सबसे पहले वेरिएबल की बात करें, जिसे हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, उसका नाम है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो सिर्फ लोकली अवेलेबल होते हैं। लोकली अवेलेबल होने का मतलब ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट होते हैं, और ब्लॉक के ख़त्म होने पे वो मेमोरी से इरेज हो जाते हैं। इट मीन्स कर्ली ब्रेसेस के स्टार्ट पे आपके वेरिएबल्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही आपका कर्ली ब्रेसेस एंड होता है तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाते हैं। कर्ली ब्रेसेस मीन्स ये किसी ब्लॉक के अंदर बनते हैं। तो ब्लॉक के बारे में अगर हम देखें तो ब्लॉक्स एक तो फंक्शंस पे एप्लीकेबल होते हैं, मीन्स फंक्शंस के अंदर बनने वाले सारे वेरिएबल आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर आपने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, तो वहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई लूप, फॉर लूप, डू वाइल या वाइल, उसके अंदर अगर आप कोई वेरिएबल इनिशलाइज कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो आपके कहलाएंगे लोकल वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं एंड ब्लॉक के अंदर इनिशलाइज किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। उनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किसी ब्लॉक के अंदर रहती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, इस तरह से आप लोकल वेरिएबल C++ में बना सकते हैं।